हाईवे भूमि अधिग्रहण के ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। आपको बता दें, लालकुआ में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्रामीणों ने एनएच पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए गुरुवार को एनएच की वेंडर सद्भाव कंपनी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग पर कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलीभगत और दबाव में काम कर उनकी भूमि को बचाने और गरीब जनता की भूमि ज्यादा अधिग्रहण किए जाने का आरोप लगाया है। मोटा हल्दू के कई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सद्भाव कंपनी कार्यालय पहुंचकर गेट पर प्रदर्शन किया। एनएच ऑफिस पहुंचे। देखिए, एनएचआई ने जो गजट पास है, जो नक्शा पास है, उसको विपरीत करके उन्होंने मेरी दूसरी गांव, मेरी ग्राम पंचायत के पालड़ीपुर में जो भूमिहीन गरीब परिवार रहते हैं उनको उजाड़ने का एनएचआई जो प्रयास कर रहा है पूंजीपतियों के दबाव में आकर के, उन मंसूबे को हम इनको बिल्कुल भी इनको पास नहीं होने देंगे। और साथ में हमारा उनसे ये निवेदन है कि जो पूर्व में जो गजट पास है, जो नक्शा प्रस्तावित है, जहां रोड पास है वो वहीं उसको बनाए, उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो भूमिहीन गरीब परिवारों को उजाड़ने का प्रयास करेंगे तो हम ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमको रोडों में बैठना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। ये पूंजीपतियों के दबाव में आकर के जो पूर्व में निर्धारित हमारी जो सड़क है उसको हटा करके दूसरी गांव जहां गरीब परिवार लोग रहते हैं, भूमिहीन परिवार रहते हैं, उनको उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चयन ऑफिस में जो पूर्व निर्धारित जिन्होंने पहले सर्वे करी उसको हटा करके इस बार गरीबों को हटाने का जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को ये गलत तरीके से गरीब लोगों को हटा रहे हैं, भूमिहीनों को हटा रहे हैं, तो इस बाबत हमने इनको एक ज्ञापन दिया है। आज को हमने शांति तरीके से ज्ञापन दिया है, अगर इस हमारी मांग को ये पूरी नहीं करते हैं हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, जो उचित होगा वो करेंगे। ठीक है।